नमस्कार दोस्तों, आज 5.2 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। यहाँ पर आपको एक एपी दी गई है जिसका पहला पद 3, 8, 13 और 18 इस प्रकार एक एपी है का कौन सा पद 78 है। आपको पता लगाना है कि इस एपी में एक पद 78 होगा तो वो कौन सी जगह पर होगा, कौन सा पद होगा, आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो आपको सबसे पहले ए का मान पता लगाना होगा, ए होता है पहला पद, यानी कि यहाँ पर आपको 3 मिला है ए का मान। डी का मान होता है पिछले पद में से अगला पद माइनस करना, यानी ए टू माइनस ए वन। तो ए टू का मान 8 है, उसमें से माइनस करेंगे 3, यानी कि आपको क्या मिला, 5। दोबारा फिर चेक करेंगे डी का मान क्या सही है, ए थ्री में से ए टू माइनस करेंगे, ए थ्री है 13, उसमें से माइनस किया 8, तब भी आपको 5 मिला, यानी डी का मान आपको क्या मिलेगा, 5। अब कौन सा पद, यानी पदों की संख्या बतानी है कि 78वां पद कौन सा है। ठीक है, सॉरी, कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर आपको एन का मान तो ज्ञात करना होगा, और जो 78 है वो उसको मैं आखिरी पद मानकर चलता हूं। तो इस फॉर्मूले से और यहाँ आपको मान मिले हैं तो आप ज्ञात कर सकते हैं, एन का मान 78 है बराबर ए का मान 3 प्लस में एन को वैसे का वैसा रखाएंगे और डी का मान आपको 5 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जो 78 दिया है इसको 3 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3 होगा बराबर एन माइनस एक और आपको 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस करने पर आपको मिला 75, तो एन माइनस एक। अभी देखें 5 कहाँ पर है, एन माइनस एक और 5 के बीच में कौन सा सिंबल है, गुणा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गुणा है, तो ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में होकर, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया। ठीक है, तो आपको मिला एन माइनस एक बराबर 75 भाग में 5। अब 75 को हम इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 15, यानी 5 को 75 से भाग किया तो क्या मिलेगा, 15। तो यानी एन माइनस एक बराबर होगा 15 के, तो एन माइनस एक बराबर है 15 के, और जो प्लस का सॉरी माइनस का एक उस तरफ जाने पर आपको प्लस का एक मिलेगा, यानी कि आपको एन का मान कितना मिला है, 16। तो आप कह सकते हैं कि इस एपी का 78वां पद 16 होगा। ठीक है, क्या होगा, इस एपी का कौन सा पद, 16वां पद आपको 78 मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, सेम यही प्रोसीजर रहेगा सब क्वेश्चन निकालने का। तो यहाँ पर आपको एक एपी दी गई है भाग एक के अंदर 7, 13, 19 और चलते चलते लास्ट का पद आपको 205 दिया गया है। अब इसने बोला कि 7 और 205 के बीच में कितने पद होंगे इस एपी के, तो आपको पता है कि फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन डी, यही यूज करेंगे 5.2 में। तो यहाँ पर आप ए का मान ज्ञात करें तो आपको ए का मान मिलेगा 7, डी का मान क्या है पिछले पद में से अगला पद, यानी ए टू में से ए वन माइनस करेंगे तो 13 माइनस 7 यानी कि 6। तो उसी प्रकार डी निकलेगा ए थ्री माइनस ए टू यानी कि 19 माइनस 13, यहाँ पर भी आपको 6, यानी डी का मान आपका 6 कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद आपको एन का मान तो पता है ज्ञात करना है, और जो ए एन दिया गया है आखिरी पद आपके पास है 205, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। ए एन है 205 बराबर ए का मान है 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी की वैल्यू दी गई है 6। तो 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो इस तरफ होगा माइनस का 7 बराबर में इस तरफ बचेगा एन माइनस एक ब्रैकेट 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को माइनस करेंगे 15, यहाँ पर 15 में से 7 गए 8, यहाँ पर 9 बचेंगे और यहाँ पर आएगा 1। 205 में 7 गए 198 बराबर एन माइनस एक 6। अब यहाँ पर 6 और एन माइनस एक के बीच में गुणा, तो उस तरफ जाने पर क्या मिलेगा आपको, भाग। तो इसको हम भाग करेंगे 33, सॉरी हाँ यहाँ पर क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, 198 को 6 से भाग करने पर आपको 33 मिला, यानी कि जो n माइनस एक है वो किसके बराबर होगा, 33 के। तो अब प्लस का एक इस तरफ आएगा माइनस का होगा, तो यानी कि 33 प्लस का एक आपको 34 मिला है, तो n का मान आपके पास 34। तो आप कह सकते हैं कि 7 और 205 के
बीच में जहां पर डी का मान 6 है उस एक पी का एन का मान यानी पदों की संख्या क्या होगी? 34 के बराबर होगी। भाग नंबर दो, आपको एपी दी गई है 18, 15 सही 1/2, 13 और आखिरी पद आपको 47 दिया गया है। फॉर्मूला वही, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 d। ठीक है, यहाँ पर a का मान आपको मिलेगा 18 और यहाँ पर d का मान मिलेगा 82 माइनस a1, यानी कि आप क्या करेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी 31/2 में से मैं 18 माइनस करूंगा। ठीक है, अगर आप मैं 15 से 1/2 को देखूं तो मुझे 31/2 मिलेगा और -18/1, इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 एकम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 31 -18 × 36, यानी आपको मिलेगा -5/2। उसी प्रकार दोबारा डी का मान ज्ञात करेंगे तो आपको डी का मान -5/2 ही मिलेगा। और अब आपको पता दिया गया है ये माइनस का 47 है, तो एन आपके पास होगा -47। ठीक है, आपको एन का मान पता है कि ज्ञात करना है। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, एन आपको दिया गया -47 बराबर ए का मान है 18 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है -5/2। ठीक है, तो अभी ये क्या है, प्लस का 18 है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 18 होगा और यहाँ पर n -1 और -5/2 आपको मिलेगा। ठीक है, तो -47 और -18, 8 और 7 15, ऐसे लगी 1 4 और 1 5 और 1 6 माइनस के 65 और इस तरफ है n -1। अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो -5/2 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, गुणा में 5, सॉरी -5/2 है गुणा के अंदर, तो इस तरफ आने के बाद 2/5 -5 होगा, क्योंकि वो क्या होता है, रकम चेंज हो जाती है यहाँ पर गुणा में, तो इस तरफ भाग में लेके आएंगे तो -5/2 का 2/-5 आपको मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को जब मैं 65 को से डिवाइड करूंगा तो आपको मिलेगा 13, क्योंकि 13 5 65 और 13 × 26 तो किसके बराबर होगा, 26 एन -1 के बराबर होगा। तो ये वाला प्लस माइनस का है ये कहाँ जाएगा, 1 प्लस का होगा, तो आपको है पता है कि एन का मान आपको क्या मिला है, 27। तो 18 और -47 के बीच में जहां पर डी का मान -5/2 है उस एपी का एन का मान 27 होगा और ये क्या है, पदों की संख्या। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।